उत्तर प्रदेश को दो नए सांसद मिलने वाले हैं। आज शाम तक फाइनल हो जाएगा कि कौन बनेगा, आजमगढ़ का सांसद और रामपुर का। बहुत ही कांटे की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव का आज रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। काउंटिंग सुबह के 9 बज रहे हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं कार्यकर्ता अपने हुजूम के साथ पहुंचे हुए हैं, और नेता अभी भी कुछ वीडियो वायरल हो रही धर्मेंद्र यादव जी की, जो पुलिस से नोकझोंक हो रही है, कुछ कहासुनी हो रही है काउंटिंग अंदर जाने के लेके। अभी उसकी बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। तो हाउ कैन यू रोक, स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? अभी स्ट्रांग रूम के इधर आया गया, इधर नहीं जाएंगे। अभी स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? कहा जाए कि आजमगढ़ की लड़ाई बहुत ही कांटे की, जिसमें पहले स्थान पे अभी जो खबर आ रही है हमारे सूत्रों के हवाले से, वहां पे धर्मेंद्र यादव जी आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, जो गाजीपुर के ही है, और तीसरे नंबर पे गुड्डू जमाली। बहुत ही कांटे की लड़ाई वहाँ देखने के लिए मिल रही है। और जो रामपुर की सीट है, वहाँ पे आजम खान के परिवार का दबदबा है। वो लोग भी दिलचस्पी लिए हुए थे इस चुनाव में, और उनके भी इज्जत का सवाल है, इसलिए कि चुनाव से लेके मतगणना स्थल तक लोग डटे हुए थे। आज रिजल्ट आने वाला, आज 2 बजे तक लगभग क्लियर हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन बनेगा रामपुर का सांसद। तो आज दोस्तों ये दो सीटों पे जो चुनाव का रिजल्ट आने वाला, आज 2024 की रणनीति समझ में आ जाएगी। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अगर ये दोनों सीटें अगर सपा निकालती है, लेकिन सपा ही का दबदबा था, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कौन जीतेगा। लेकिन आज शाम तक या दोपहर तक दोस्तों क्लियर हो जाएगी कौन सांसद बन रहा है। लेकिन धर्मेंद्र यादव काफ़ी टक्कर है दिनेश लाल यादव और निरहू से। जो भी मार्जिन रहेगी आजमगढ़ और रामपुर की बहुत ही कम रहेगी। जो वोटिंग परसेंटेज की बात की जा रही थी, तो बताया जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम था। तो आज दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि कौन बनेगा सांसद। जो भी रिजल्ट आएगा दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। और हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है, आप सभी देखते हैं दोस्तों। इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।